गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस. टुडे आई विल कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 डेविड बिगिंस अ न्यू लाइफ पार्ट 2. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पैरा 2. Okay, so let's start. Have you been with Mr. Wickfield long? I asked. So David Copperfield जो है यहाँ से start करते हैं, जहाँ पे बोल रहा है David Copperfield question करते हैं Mr. किसे Uriah Heep से, जिससे conversation कर रहा था, तो उसे question करते हैं कि आप जो है Mr. Wickfield के साथ कितने दिनों से रह रहे हैं. तो going on 4 years, बोल रहे 4 साल होने को है Mr. मास्टर कॉपरफील्ड, सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर, मेरे फादर के डेथ के कितने साल के बाद, 1 ईयर के बाद. ओके, दैट डे आई रीच्ड स्कूल क्वाइट अर्ली इन अबाउट टू वीक्स आई वॉज वेरी कॉन्टेंटेड देयर. तो बता रहे हैं कि दैट डे आई रीच्ड स्कूल क्वाइट अर्ली, मतलब उस दिन वो जो डेविड कॉपरफील्ड था बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गया था और सिर्फ 2 वीक में वो वहां पे सेटिस्फाइड हो चुका था, यानी स्कूल से वो सेटिस्फाइड था कि बहुत अच्छा स्कूल है. आई वॉज नॉट स्किलफुल इन देयर गेम्स एंड क्वाइट बैकवर्ड इन देयर स्टडीज, बट प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव मी इन द फर्स्ट आई होप एंड हार्ड वर्क इन द सेकेंड. फॉर्चुनेटली आई प्रूव माई सेल्फ इन बोथ. तो बता रहा है क्या डेविड कॉपरफील्ड खुद बताते हैं कि वो स्कूल से तो सेटिस्फाइड थे, लेकिन वहां पे वो बता रहे हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं था. किस चीज में? ना ही गेम में, यानी स्कूल जो गेम खिला रहा है वो उस गेम में भी अच्छे नहीं थे, और ये भी बता स्टडीज में भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्हें जो स्टडीज जो उनके बचपन में स्टडीज दी जा रही थी वो उनसे बहुत दिन तक छूट गई थी. वो स्टडीज कम्प्लीट नहीं कर पा रहे थे, उसकी जगह स्टडीज की जगह वो काम कर रहे थे. तो इस वजह से बता रहे हैं कि वो स्टडीज में भी बैकवर्ड थे, ठीक है, गेम में भी वो सही नहीं थे और स्टडीज में. लेकिन वो खुद बताते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड के प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव कराती है हर चीज में, चाहे वो गेम में प्रैक्टिस करें या स्टडीज में प्रैक्टिस करें. तो बता रही कि प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव मी इन द फर्स्ट. प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है खुद में इम्प्रूव करने के लिए, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस जो है इम्प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी. दूसरा बताते हैं एंड हार्ड वर्क, और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और ये दोनों चीज उन्होंने किया और खुद बता रहे हैं. फॉर्चुनेटली आई प्रूव माई सेल्फ इन बोथ, और फिर ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने आप को प्रूव किया और दोनों में अच्छे हो गए, ठीक है, दोनों में अच्छा, यानी कि गेम में भी अच्छे हो गए ये और पढ़ाई में भी अच्छे हो गए. एवरी थर्ड और फोर्थ वीक आई विजिटेड एंड बेड्स इन डोर एंड ऑन अल्टरनेट वेंसडे मिस्टर डिक वुड विजिट मी. मिस्टर डिक बिफ्रेंडेड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड ही बिकम अ पॉपुलर फिगर एट स्कूल. तो एवरी बता रहा है कि हर थर्ड और फोर्थ वीक को क्या होता है कि डेविड कॉपरफील्ड एंड बेड्स से मिलने के लिए डोर जाते हैं, और बता रहा है कि हर अल्टरनेट वेंसडे को मिस्टर डिक जो है वो आते हैं मिलने के लिए डेविड कॉपरफील्ड से. मिस्टर डिक जो है, क्योंकि वो हमेशा आते हैं अल्टरनेट वेंसडे को आते हैं. अल्टरनेट मतलब क्या होता है, जैसे एक वेंसडे को आए उसके बाद फिर दूसरे नहीं, फिर उसके बाद आए, ठीक है. तो इस तरह से बोल रहा है 15 डेज पे वो आ जाते हैं मिलने के लिए डेविड को. मिस्टर डी किस वजह से क्या हो गए, जो हमेशा आते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के क्या हो गए, फ्रेंड हो गए, ठीक है, फ्रेंड जैसे हो गए, और वो स्कूल के पॉपुलर फिगर भी हो गए. एट दैट लाइफ एट द विकफर्ड होम वाज क्वाइट एंड पीसफुल टू माय ग्रेट कंफर्ट. अगेंस्ट बिकम मोर ऑफ अ सिस्टर टू मी देन इवन आंट बेट्सी कुड हैव एवर इमेजिंड. अब क्या बोल रहे हैं कि अभी जो है जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डेविड कॉपरफील्ड किसके साथ रहता है, मिस्टर विकफील्ड के साथ, ठीक है. मिस्टर विकफील्ड का घर जो है उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही
पीसफुल प्लेस है, बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा है। और उसके कंफर्ट के लिए और भी क्या बता रहे हैं कि उसके आराम का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। कौन है वो? एगेंस, ठीक है। और वो एक सिस्टर की तरह उसके साथ रहती है, जहाँ तक जो आंट बेटसी को लगता है उससे इमेजिन करती है, उससे कहीं ज्यादा वो उसका ध्यान रखती है। और अब बता रहे हैं, माई लाइफ एट कंटेम्प्री वॉज अ हैप्पी एंड फ्रूटफुल वन। तो इसका जो लाइफ डेविड कॉपरफील्ड का लाइफ था कंटेम्प्री में, वो कैसा था? बहुत ही हैप्पी था और प्रोडक्टिव था। फ्रूटफुल मीन्स प्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये था चैप्टर, आप लोगों का चैप्टर 7, डेविड बिगिंस अ न्यू लाइफ पार्ट 2। तो हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम जल्दी ही PDF के थ्रू आप लोग तक पहुंचा देंगे, ओके।